एजुकेशन मिनिस्टर भी बने। ये है मौलाना अबुल कलाम आजाद, जिन्हें मौलाना आजाद भी कहा जाता है। चलिए जानते हैं मौलाना आजाद के बारे में। मौलाना अबुल कलाम आजाद का असली नाम अबुल कलाम गुलाम मुहिउद्दीन है। आजाद का जन्म 11 नवंबर 1888 को मक्का सऊदी अरब में हुआ था। उनके पिता मोहम्मद खैरुद्दीन थे, जो एक बंगाली मौलाना थे और बहुत बड़े विद्वान थे। उनकी माता अरब की थी, जो शेख मोहम्मद जहर वाथरी की बेटी थी, जो मदीना की प्रसिद्ध मौलवी थी। आजाद के पिता मौलाना खैरुद्दीन अपने परिवार के साथ बंगाल राज्य में रहा करते थे, लेकिन 1857 के समय हुए विरोध के कारण उन्हें भारत देश छोड़कर अरब जाना पड़ा, जहां मौलाना आजाद का जन्म हुआ था। आजाद जब 2 साल के थे, तब 1890 में उनका परिवार वापस भारत आ गया और कलकत्ता में बस गया। आजाद की शादी मात्र 13 साल की उम्र में जुलेखा बेगम से हुई। मौलाना आजाद का परिवार रूढ़िवादी ख्यालों का था, इसका असर उनकी शिक्षा पर पड़ा। मौलाना आजाद को परंपरागत इस्लामी शिक्षा दी गई। आजाद ने सबसे पहले अरबी फारसी भाषा सीखी।